Example 2.6. Two clocks are being tested against a standard clock located in a national laboratory at 12:00 noon by the standard clock. The readings of the two clocks are, दोनों क्लॉक्स की रीडिंग दी हुई है, फ्रॉम मंडे टू संडे. क्लॉक वन की रीडिंग्स है ये, इसमें वेरिएशन हो रहा है, पहले 5 सेकंड ज़्यादा बता रही है, फिर 1 मिनट 15 सेकंड ज़्यादा, फिर कम बताने लगी, तो ये 12 बजे से ज़्यादा टाइम बता रही है इन दोनों रीडिंग्स में, और इसमें 12 से कम का टाइम बता रही है, तो ये दोनों पॉजिटिव एरर हैं और ये नेगेटिव एरर है, क्योंकि ये 12 से ज़्यादा है राइट हैंड साइड में है और ये 12 से कम है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये दोनों पॉजिटिव एरर है और ये नेगेटिव एरर है, ये फिर पॉजिटिव हो जाती है क्योंकि 12 से ज़्यादा का टाइम बता रही है, ये नेगेटिव एरर हो जाती है 12 से कम का टाइम बता रही है। यहाँ पर किसी भी रीडिंग में 12 नून का टाइम है ही नहीं, उसके आसपास मिल रही है, तो इसका मतलब क्लॉक टू के अंदर 0 एरर भी है, पॉजिटिव और नेगेटिव एरर के साथ साथ इसमें 0 एरर भी है, इसका 0:12:00 पर सेट ना होकर 10:15:00 पर, यानी 10:15 पर सेट है इसका 0, तो ये 0 एरर को दूर करना तो बहुत आसान होता है, हम टाइम डिफरेंस को अपनी रीडिंग में ऐड कर देते हैं। मान लीजिए कि आप किसी बेगिंग मशीन का यूज कर रहे हैं और उस वो इनिशियली 0 पर सेट नहीं है, वो इनिशियली 5 kg वेट दिखा रही है, अब आपने उस पर कोई वेट रखा, कोई ऑब्जेक्ट रखा, फिर वेट देखा तो वो 7 kg शो कर रही है, दैट मीन्स उसमें एरर, उसका वेट है कितना, 7-5 2 kg, तो जो इनिशियल रीडिंग को दे रही थी हमें बिना विदाउट वेट, उसको हम उसके साथ जो रीडिंग आ रही है उसमें एडजस्ट करके एक्चुअल रीडिंग फाइंड कर सकते हैं। जब उस पर कोई वेट है ही नहीं बेगिंग मशीन पर, तब भी वो 5 kg वेट दे रही है इनिशियल रीडिंग, तो इसका मतलब ये है कि 7 kg के वेट में भी वो 5 kg की इनिशियल रीडिंग दे रही होगी, तो एक्चुअल वेट होगा 7-5 2 kg। यहाँ भी हम 10:15 को स्टैंडर्ड टाइम लेके चलेंगे और हमें पता है कि ये 12 बजे को जो यहाँ पर क्लॉक जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 12:00 यानी 12:00:00 को ये रीड कर रही है 10:15:00। तो हम इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस होगा उसको इसकी रीडिंग में प्लस कर देंगे, जिससे हमें इसकी 0 एरर को हम कवर कर लेंगे, तो इसका 0 एरर भी है इसमें, और ये इसका 0 सेट कर लेते हैं 10:15:00 पर, तो ये 10:15:00 से थोड़ा ज़्यादा रीडिंग दे रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव एरर है, इसमें कम रीडिंग आ रही है 10:15 से, तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव एरर है, तो ऐसे ही इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एरर हमें मिलती जाएगी। अब क्वेश्चन है, इफ़ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर्स प्रिसिशन टाइम इंटरवल मेजरमेंट, विच ऑफ द टू क्लॉक्स विल यू प्रीफर, तो इसके लिए हमें इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव एरर्स फाइंड करनी होगी, उसके बाद हम कैलकुलेट करके बताएंगे कि विच वन इज परफेक्ट फॉर अस। ये दोनों क्लॉक्स की रीडिंग है, फॉर क्लॉक वन रीडिंग 12 नून टाइम्स के आसपास है, तो इसलिए हमने इसका स्टैंडर्ड टाइम लिया है 12:12:00। इसके साथ इसके टाइम रीडिंग का डिफरेंस लिया जाएगा और क्लॉक टू की रीडिंग 10:15 के आसपास है, तो इसका स्टैंडर्ड टाइम लिया है 10:15:00, इसके साथ इसका टाइम डिफरेंस ले लिया है। यहाँ ये स्टैंडर्ड टाइम से
5 सेकंड ज़्यादा है इसलिए प्लस 5 लिखा, यहाँ 1 मिनट 15 सेकंड ज़्यादा है, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, प्लस 15 60 प्लस 15 75 सेकंड, पॉजिटिव एरर है। यहाँ स्टैंडर्ड टाइम 12 नून से कम है तो नेगेटिव एरर ली जाएगी, और कितना कम है 52 सेकंड। ऐसे ही ये 60 1 मिनट मतलब 60 सेकंड प्लस 50 110 सेकंड ज़्यादा है, 45 सेकंड कम है, 90 सेकंड ज़्यादा है, 79 सेकंड ज़्यादा है। तो जो टाइम 12 नून से ज़्यादा है वो सब पॉजिटिव एरर है, और जो उससे कम है वो नेगेटिव एरर है। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि यह वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है, 5 से सीधा 75, 70 सेकंड का डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पर वेरिएशन सीधा 75 से माइनस में चला गया, यानी ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा, 75 प्लस 52, जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो इस तरह से ये 127 सेकंड के इक्वल हो जाएगा। तो यह वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। इस वॉच में जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है वो है 10:15, ये उससे 6 सेकंड ज़्यादा है, और अब कम आया नेगेटिव एरर तो 1 सेकंड, तो इसमें डिफरेंस काफ़ी कम है, 7 सेकंड का ही है, और यहाँ डिफरेंस 70 सेकंड का था और यहाँ 7 सेकंड का। तो इस तरह से हमें पता लग रहा है कि क्लॉक 2 इज़ बेटर फॉर अस, क्योंकि इसमें जो रैंडम एरर आ रही है जिसका हमें कोई रीज़न नहीं पता, वो कम है, यहाँ सिर्फ 7 सेकंड है और यहाँ पर 70 सेकंड है। इसमें जीरो एरर है टाइम की, 10:15 की रीडिंग दे रहा है ये 12 की जगह, उसे हम टाइम डिफरेंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, हम 10:15 को 12 नून मान लेंगे, 12:00, और 12 के टाइम और 10:15 के टाइम का डिफरेंस लेकर रीडिंग में ऐड कर दिया करेंगे। क्लॉक 1 की रीडिंग्स को आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर मैक्सिमम पॉजिटिव एरर है 110 और मैक्सिमम नेगेटिव एरर है -52, मैक्सिमम पॉजिटिव एरर एंड मैक्सिमम नेगेटिव एरर। तो टाइम रेंज हम फाइंड करेंगे क्लॉक 1 का, और वो टाइम रेंज होगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, 110 -52, तो ये आता है 162 सेकंड। इसी तरह से क्लॉक 2 के लिए मैक्सिमम रेंज है +24, मैक्सिमम वैल्यू है हमारी +24 और मिनिमम वैल्यू है -7, मिनिमम वैल्यू आती है -7, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा +24 और -7, 24 और -7 का डिफरेंस आ जाएगा 31 सेकंड। तो क्लॉक 1 का जो एरर रेंज है वो है 162 सेकंड, और क्लॉक 2 का जो एरर रेंज है वो है 31 सेकंड। तो क्लियर है कि हमारे लिए क्लॉक 2 ज़्यादा बेनिफिशियल है, हम क्लॉक 2 का यूज करेंगे।